और ये सम्यक मार्ग जो है अपने आप में आदमी को बहुत आगे ले जाता है। देखिए आचार्य चाणक्य भी कहते हैं इस बात को कि अति हमेशा हर चीज की बुरी होती है, कि पढ़ाकू प्रवृत्ति ना आपकी इसकी अति भी बहुत ज्यादा बेकार है। और तुझे पढ़ना भी नहीं चाहिए, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये सारी बातें आचार्य चाणक्य ने भी कही है। और आचार्य चाणक्य से पहले महात्मा बुद्ध ने भी इन सारी बातों को लेकर बात कही है। और अब हमारे विद्यार्थी का एक सवाल था कि गुरुजी मुझे याद नहीं होता है, मानते हैं आपकी बात याद नहीं होता है, बहुत सारे कारण है बेटा याद नहीं होने के। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर वाकई में आपको अपनी याददाश्त बढ़ानी है तो बुद्ध को फॉलो करो। एक तो बुद्ध जैसा व्यक्ति इस संसार में दर्शन को लेकर नहीं हुआ है। दो लोग विशेष रूप से का एक कबीर संतों में अगर बात करें और महात्माओं में अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध, ये दो, इन दो लोगों को आपने फॉलो कर लिया तो आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, आपका सुख भी बढ़ेगा, आपका चैन भी बढ़ेगा, आपके जीवन का आनंद भी बढ़ेगा। और अब महात्मा बुद्ध ने जो याददाश्त का तरीका बताया है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो सबसे बड़ी बात है, ये जो नेत्र हमारे हैं, ये हमारा स्मृति पटल जो है, ये हमारा मस्तिष्क जो है, सारी की सारी चीजें मॉनिटर, ये है हमारा पूरा का पूरा। अब नेत्रों का बुद्धि से कनेक्शन है, कई बार आप देखते हैं तुरंत महसूस करते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि ये चीज है, हैं मस्तिष्क तुरंत आंखों ने देखा, मस्तिष्क में गया सूचना और सूचना तुरंत आपको रिटर्न वापस सूचना बैक सूचना दी कि ये चीज है। तो इसका मतलब बुद्धि का नेत्रों से कनेक्शन है या नहीं, आप बताओ मुझे। कनेक्शन है तो फिर अब आपको बुद्ध ने क्या फॉलो करने को, बुद्ध ने हमेशा एक बात कही है कि आप दीपक जलाइए, आपका जलाइए दीपक सुबह शाम, जिस भी आप दीपक जलाते हैं, स्नान सुबह का मॉर्निंग का स्नान कर लिया आपने, नहा धो लिया, नहाने धोने के बाद में आपने बढ़िया अच्छी तरह कपड़े वपड़े पहन पान लिए हैं, अब फिर आलती पालती मारकर आप बैठ जाइए आसन पर, सामने दीपक जलाइए। और ध्यान दें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दीपक में घी हो तो और भी अच्छी बात है, गाय का घी हो तो और भी अच्छी बात है। हालांकि गाय के घी को लेकर बुद्ध ने नहीं कहा, गाय का घी तो वैसे ही हमारे एनवायरमेंट को बहुत अच्छा करता है, मैं बता रहा हूं ये बात मेरी ओर से। बुद्ध ने तो केवल दीपक के लिए बात कही है। अब हमें दो चीजों पर बात करनी है, एक स्मृति भी बनानी है और एक हमारे कक्षा कक्ष का, हमारे भवन का, हमें वातावरण को बहुत अच्छा करना है। ये यज्ञ अनुष्ठान क्यों होते हैं, क्यों होते हैं यज्ञ अनुष्ठान, वातावरण शुद्ध होता है कि नहीं होता है? भोपाल में गैस त्रासदी हुई, सारे लोग मरे, एक घर वाले पूरे के पूरे जीवित रहे, पता है क्यों? बात करूंगा इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने उस घर में अनुष्ठान चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, तो जो विषैली गैस थी ना उसका इफेक्ट वहां पर नहीं आ पाया, ओटू का इफेक्ट था, इस वजह से वो बच गए। बातें तो बहुत है, विज्ञान वाले इस चीज को मानते हैं, बुद्ध को विज्ञान वाले मानते हैं, साइंटिस्ट सब मानते हैं बुद्ध को, बातें बहुत है। तो आप आसन बिछा लीजिए, आलती पालती मारकर बैठ जाइए और सामने नेत्रों से दीपक को आप देखते हैं जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं आ जाए। एक दिन का विषय नहीं है ये, प्रयास शुरू कर दें और लगातार शुरू करते रहें, बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। दो चीजें होंगी ध्यान रखना, बुद्धि ही नहीं बढ़ेगी, आपका मस्तिष्क एकाग्रचित होगा, आपके मस्तिष्क में जो विषैले अनर्गल विचार आते रहते हैं उनका बंद हुआ आना, आप केवल लक्ष्य एकाग्रचित्ता। और कौन नहीं चाहता है एकाग्रचित्ता, हर विद्यार्थी चाहता है कि एकाग्रचित रहे गुरु जी, बीच में कोई चीज आ जाती है मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, मन में एकाग्रचित्ता नहीं है। तो अगर एकाग्रचित्ता रखनी है तो इस चीज को फॉलो करो, आप रोज ये काम करो, सुबह स्नान करो, स्नान करने के बाद दीपक जलाओ, 5 मिनट तक बैठो, इससे योग भी हो जाएगा और योग होने के साथ साथ आपकी स्मृति बढ़ेगी, आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी। तो चलो बताओ कितने लोग कल से इस चीज को फॉलो करेंगे आपने से?